गुड इवनिंग, वेलकम टू ऑल। मानव, सौरभ, ऋत्विक, सीक्वेंस और सीरीज के हम लोग फाइनल चरण में हैं। देखते हैं सीक्वेंस और सीरीज में क्या क्या कर सकते हैं। सवाल पूछो। 6B, आज इसको खत्म करते हैं। अखलाक, सिक्स बी बताइए। क्वेश्चन नंबर जरूर खत्म कर देंगे। शशांक शेखर, बिट्टू, इसमें बहुत बच्चे आज ज्वाइन नहीं किए। बिट्टू, मानव, शशांक शेखर, अखलाक राजा, सत्यम साहू बोला था आज 1 बजे क्लास है, ज्वाइन करना। कहाँ कोई आया? जरूर हेल्प करेंगे। 6B क्वेश्चन नंबर 13। टेन भी है तो टेन कर देता हूँ पहले। 10, 18 टर्म तक जुड़ना है बेटा। 18 टर्म, ए आर पर पावर 18-1 r-1 करो। ए है दिया हुआ 1/√3 और ये क्या है, √3 पर पावर 18। बहुत बच्चे ज्वाइन नहीं, पूरा क्लास देखना होता है। हाँ, पांडे जी किया था, रंजीत जी भी थे, बाकी बहुत सारे बच्चे नहीं थे, योगेश नहीं था। बैठ के देखोगे तो कुछ ना कुछ रिवाइज हो जाएगा। 1 घंटे में कुछ जाता नहीं है। इसको आप कीजिए, 3 पर पावर ½ है और 18, 3 पर पावर 9 और इसको कर लो रैशनलाइज। ये आएगा 19,483। नीचे 2 रेसलाइज कर दोगे, 2 हो गया तो बाकी आपका जो है वो आ जाएगा 82। होगा तो बाकी आप सॉल्व कर लोगे। ये कट के क्या आएगा, 1/√, ये इसका वैल्यू आ गया 9841 और इंटू ये आ गया √3+1 और ये आ गया √3। 10 नंबर यही होगा। अच्छा हाँ, योगेश था जो ज्वाइन नहीं किए वो जरूर देखना, एक आध बार तो देख ही लो, वहाँ पर सारे नोट्स भी हैं उसके, तो बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा। नोट्स डाउनलोड भी कर सकते हो, वहाँ देख भी सकते हो। विकास भाई कैसे ज्वाइन करें, अभी तो बोल रहा था शशांक की मैं देख रहा था। लर्नर जो है ऐप डाउनलोड आप कीजिए, फिर उसी का आधार पर देखिएगा। अब जो है 2/7 को है ये क्लास, 1 PM है, उसमें हम लोग क्या करेंगे कि कुछ सवाल का डिस्कशन करेंगे।
उसमें कुछ सवाल का डिस्कशन करेंगे, उसमें बेसिक बातों को पढ़ाएंगे, जरा जो जो नहीं समझते हो आ जाना, और जिसको नहीं मिलता एक दूसरे से तो अब बात करके अपना खोज लेना कैसे बच्चे ज्वाइन किए हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, चलो सवाल पर आते हैं 13। वो तो होता रहेगा, जीपी प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म इतना है, मिडिल टर्म बताइए। 3 टर्म का प्रोडक्ट दिया हुआ है, ए आर और AR² ए पर पावर क्यू, आर पर पावर क्यू 27/8, AR पर पावर 3, और इसको क्या लिख सकते हो, 3/2 पर पावर 3। AR बराबर हो गया 3/2, यही मिडिल टर्म है, देख लो यही मिडिल टर्म है, हो गया आंसर 3/2। ठीक है, नहीं 2/7 को है, ये है अनएकेडमी पर, अनएकेडमी पर 2 तारीख को क्लास है, थर्सडे को, थर्सडे ट्यूसडे थर्सडे, अगले वीक से लगातार क्लास करेंगे उस पर, नेक्स्ट वीक से, फिर थर्सडे सैटरडे और अगले वीक से एकदम हर रोज क्लास होगी, या जो भी होगा इन्फॉर्मेशन डाल दिया जाएगा। आज हमने इन्फॉर्मेशन डाल दिया है उस पर, पब्लिश कर दिया है, उसको आप लोग देखेंगे, आप भी देखोगे, बच्चों को भी बताओगे, जो ज्वाइन करना चाहता है ज्वाइन कर लो जी। डाउनलोड करना है, पहले कोर्स सेलेक्ट करना है, और कोर्स जैसे सेलेक्ट करोगे, मैं लाइव वहाँ पर पब्लिश भी मैं कर दिया हूँ, नेक्स्ट क्लास कब होगा, तो नेक्स्ट क्लास 2 तारीख को होगा, वहाँ पर लिखा हुआ आपको आएगा, मिलेगा, ठीक है, इस तरह से मिलेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए अन एकेडमी वाला जब आप डाउनलोड करोगे, उसके बाद कोर्स में आओगे, फाउंडेशन हिंदी अंग्रेजी जो है वो पूछेगा, ये आज की क्लास का है, इस तरह से व्यू आएगा, मिलेगा आपको। तो नेक्स्ट क्लास का भी मिल जाएगा उसमें। चलो पहले सवाल लेते हैं, फिर सवाल के बाद हम लोग काम करेंगे। आपको पांडे, विकास पांडे समझा देगा शशांक, आगे देखो सवाल देखो, फिर उसके बाद जी। बहुत अच्छा सर, इलस्ट्रेशन 1 एंड 2 पे 6.15, इलस्ट्रेशन 1 नंबर, और कोई सवाल तो नहीं है, 6.15 देखिए इलस्ट्रेशन पूछ रहा है।
एग्जाम्पल या इलस्ट्रेशन हुआ नंबर, देखिए नंबर वन, ए पर्सन इज एम्प्लॉयड इन ए कंपनी एट 3,000 पर मंथ एंड ही गुड गेट इन एन इंक्रीज ऑफ 100 रुपया पर ईयर, टोटल अमाउंट ही रिसीव 25 ईयर्स ऑफ द मंथली सैलरी इन द लास्ट। आपको देखिए टोटल अमाउंट कितना जमा करेगा, 3,000 रुपया पहले साल जमा करता है एक महीना, और 12 महीने तक जमा करता है तो 12 मल्टीप्लाई कर दो, और हर साल 100 100 रुपया बढ़ाते जाता है। कितना साल तक लिख रहा है, अप टू 25 टर्म्स। देखिए पहले साल पर मंथ 3,000, तो एक साल में कितना होगा, 12 × 3,000, और हर साल 100 रुपया बढ़ा देता है, तो हर साल अमन मिश्रा एक बार 16 भी को भी सोल्व कर देता हूँ, कर देता हूँ, फिर क्या हो गया, दूसरे साल हो गया 3,112 × 10, इस तरह से। तो आपको कितना हो जाएगा बताइए, 25/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, या यहाँ पर कर लीजिए 2a एन माइनस वन और डी का वैल्यू 100, सॉल्व कर लो, हो गया आंसर, इतना पैसा होगा। लास्ट मंथ का पूछ रहा है, T25 लास्ट मंथ में कितना जमा करेगा, ए है 3,000, एन माइनस वन और डी 100 रुपया बढ़ाते जा रहा है, देख लो ये TN हो गया, तो इस तरह से हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन नंबर 16, 16 तो ऑप्शन से बनाइए, अप टू एन टर्म्स, कल पढ़ाया था शॉर्टकट। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, SN दिया हुआ है, ए नंबर ऑप्शन। S1 किसके बराबर होगा, 1 निकालिए, 1 निकालोगे तो क्या होगा, 1 माइनस ये कितना हो गया, 9/10, 0.9। एक मिनट जरा, ये दोनों एक साथ है, 1 माइनस, तो 1/10 हो गया ना, यहां 1 रखोगे तो 1/10, 9/10, 1/10 यानी 0.1, S1 T1 के बराबर है, चेक हो गया। फिर S2 निकाल के चेक करो, ये दोनों को ऐड करके देखो आ जाएगा, कर लोगे अमन। यहां पर देखो ना, वहां 1 रखोगे तो क्या होगा, 0.1, तो 0.1 यानी 1/10। देखिए यहां पर S1 आप कीजिए तो 1/9, 1 माइनस 1 माइनस ये 9/10। फिर आप करो 1/10, ये नहीं मिल रहा है तो ये तो होगा ही नहीं फर्स्ट, इसका क्या दिया हुआ है आंसर, 16 का देखो, सिक्सटीन का आंसर है बी, तो ये तो होगा नहीं, ये नहीं हो सकता है, बी में चेक करो, बी में क्या है जी, देखो बी में क्या है, 16 का बी में एसएन, देखिए एसएन बाय 9 है, ऐसा इसमें है डिवाइड, यहां पर आ करोगे 9 S1 1/10 हो गया बाय 9,
यहाँ पर क्या हो गया, 1/9, 1 माइनस 9/10 और डिवाइडेड बाय 9, ये से ये कट जाएगा, फिर हो गया 1/9 इंटू 9/10, तो 1/10 0.1 आ तो गया। उसी तरह एस टू करके देखो आ जाएगा। ठीक है बात, इस तरह से काम आप कर लोगे। आ गया समझ में अमन? देख लो यहाँ पर पहले 1 रखो 1/10, तो 9/10 नीचे 9 है तो ये कट जाएगा, 1/10 9 बाय कट के आ गया 1/10 0.1, तो हो गया आंसर 21। सम ऑफ इनफिनाइट इन टर्म जीपी है जी, ए दिया हुआ है 14, आर क्या होता है -2/14, एस इन्फिनिटी ए बाय 1 - आर, ए कितना है, ये कितना हो गया 7 × 1 = 8, ऊपर 7 चला जाएगा, काट दो 49/4 हो तो गया बी नंबर आंसर। आ गया समझ में? आ रहा हूं, 21 हो गया। एक इलिस्ट्रेशन का क्वेश्चन नंबर 2 11 पूछ रहा था बच्चा दोनों, 8000 है, 2.76 सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट टू बी पेड 10 मंथली इंस्टॉलमेंट। हाँ तो क्या हो गया, इफ ईच इंस्टॉलमेंट इज डबल द प्रिसीडिंग वन, ध्यान दीजिए, सेकेंड नंबर इलस्ट्रेशन पेज नंबर, ध्यान दो, हाँ मल्टीप्लीकेशन है लेकिन दोनों में अंतर है, अंतर ये लिखने में मिसप्रिंटिंग है, ऐसे 0.1 होता है, ऐसे पॉइंट होना चाहिए बीच में, लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं, ऐसा का मतलब इंटू ही होता है, लेकिन यहाँ पर 0.1 है, ये ध्यान रखना है, ये बीच में पॉइंट होना चाहिए, प्रिंटिंग मिस्टेक। कहता 8000 है, 2.76 इंटरेस्ट पर एनम, प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट आर पेड इन 10 मंथली इंस्टॉलमेंट, इन ईच इंस्टॉलमेंट डबल द प्रिसीडिंग वन, पहले ये निकालिए इंटरेस्ट कितना होगा, आई 10 महीने का प्रिंसिपल अमाउंट है ये, और 10 महीने का तो 10/12 हो गया 184 रुपया, ये हो गया, और टोटल अमाउंट कितना जमा करना है, 8000 और प्लस 184, यही पैसा आपको जमा करना है टोटल, और कैसे जमा करना है, ऐसे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से दूसरा डबल होगा, ए 2A ऐसा, 3 4A ऐसा, अप टू एंड टर्म, तो लगाओ SN बराबर क्या होगा, ए आर पर पावर एन माइनस वन, और आर माइनस वन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना है, अच्छा 10 है ये 10, और इतना बराबर है 8184, ध्यान दीजिए ए का वैल्यू फाइंड आउट नहीं हो जाएगा, एन दिया हुआ है, ए दिया सॉरी आर दिया हुआ है, ये फाइंड आउट करना है। क्लियर हो गया? होशियार सिंह 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, सम ऑफ 20 टर्म्स,
इस 244 टाइम सम ऑफ 10 टर्म, ऐसा सवाल में लिखा हुआ है। ए आर पर पावर 20 माइनस वन, आर माइनस वन, ये कट जाएगा, आर एक के इक्वल नहीं है, इसको ब्रेक करो, ए से ए कट जाएगा, आर टेन स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, इसको ब्रेक कीजिए, आर पर पावर 10 माइनस वन, आर पर पावर 10 प्लस वन, फिर ये कट जाएगा, आर पर पावर 10, वन इधर जाएगा 243, 3 पर पावर 5 प्लस माइनस रूट 3 पर पावर 10, रूट करने से पावर डबल हो जाता है, इवन है, प्लस माइनस लगा सकते हैं, आर बराबर हो गया प्लस माइनस रूट 3, 6 ये का 9, हाँ ऐसे दिया हुआ है। सिक्स ए का नाइन हमने पिछले क्लास में चर्चा किया था, इसमें दो चीज आ रहा है 30 और 31, 155 है एस एन, 6 ए का है 9, एन बाय टू 2a, एन माइनस वन, डी का वैल्यू कितना है, इसको सॉल्व करने से एन के दो वैल्यू आ रहे हैं 31 और 30, तो जो छोटा होगा, अगर ऑप्शन में लिखा हुआ है 31 30, तो जो छोटा है वही लेंगे, राइट, और दोनों लिखा रहता है आइदर 20 और 20, तब फिर दोनों लेते हैं। ये सवाल को हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि जहाँ आपको ऑप्शन नहीं हो कि 31 और 30 दोनों हो रहा है, ऐसे टी 31वां टर्म निकालो, 0 होगा, तो इस दोनों में से जो छोटा होगा उसी को आंसर के रूप में ले लेंगे। सिक्सी का कौन नंबर है क्वेश्चन बेटा, 16 नहीं सॉरी, हाँ 16, सिक्सी का 16 तो पढ़ा दिया था, एक्स वाई जेड एपी में ध्यान दीजिए, अरे एक्स वाई जेड प्लस वन जीपी में ध्यान दो, यहाँ पर ऐसा कोई नंबर आप बताइए कि जेड में वन जोड़ देने से जीपी हो जाए, आइडिया लगाओ, 1 2 3, देखो एपी में है, और 3 में 1 जोड़ दीजिए तो 1 2 और 4 जीपी में हो गया, यानी एक्स बराबर 1 हुआ, वाई बराबर 2 हुआ और जेड बराबर 3 हुआ। ऐसा कोई नंबर बोले कि एक्स वाई जेड एपी में है और जेड में हम प्लस वन कर दें तो जीपी में हो जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि 1 2 3 और 3 में 1 जोड़ेंगे 4, तो जीपी में हो गया, तो एक्स वन वाई टू और जेड 3 ऑप्शन में पुट कर लीजिए, जो आ जाए वो आंसर हो जाएगा, क्लियर है। मानव 6C का 4, सिक्स सी का 4, द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म यू जीपी इज दिस, यानी ये कॉमन ले लो, एंड सम ऑफ इनफिनाइट सीरीज 3 है, तो अच्छा है, फर्स्ट डिवाइड 2 कर दो, डिवाइड करोगे 3 तो नीचे आ जाएगा, इससे इसको डिवाइड करना है, ऐसे कट गया नहीं आया, आर स्क्वायर 1 बाय 5 बाय 9, 4 बाय 9,
आर प्लस माइनस 2/3 हो गया आंसर, 8। आठ आइडिया लगाइए। एक्स पर पावर पी है, ध्यान दीजिए, डायरेक्ट बता देता हूँ और समझा भी देता हूँ। जेड पर पावर आर लिख देते हैं, जो भी हो हम आर मान लेते हैं। अगर यह जीपी में हो, ध्यान रखिए, बेस अगर जीपी में हो तो जो पावर का रेसिप्रोकल होगा वह एपी में होगा। क्यों? पढ़ाया था ए बी सी जी पी, तो लॉग ए लॉग बी लॉग सी एपी में, इंडाइसिस का पावर लॉग होता है, तो पावर में रिलेशन एपी में आता है। कैसे आएगा देखिए, एक्स वाई जेड जीपी में दिया हुआ है तो के मान लो, के मानिए, अलग अलग करो, के पर पावर क्यों है, के पर पावर आर है। एक्स वाई जेड जी पी में है तो वाई बाय एक्स बराबर जेड बाय वाई होगा ना, वाई बाय एक्स कीजिए तो के पर पावर क्या हो गया, और जेड बाय वाई करो वन है जी क्यों, बेस इक्वल पावर बराबर, देख लीजिए डिफरेंस इक्वल है, तो वन बाय पी, वन बाय क्यू और वन बाय आर क्या चीज में हो जाएगा, ए पी में। तब ना इसका इसका डिफरेंस इक्वल आ गया। क्लियर हो गया मानव कि हम क्या करेंगे, बेस जी पी में है तो वाई बाय एक्स बराबर जेड बाय वाई, और इसको अलग करके पुट कर दीजिए, बस अपने आप हो जाएगा। और डायरेक्ट अगर इक्वालिटी में कोई चीज़ हो ध्यान दो, और बेस अगर जी पी में है तो पावर का रेसिप्रोकल ए पी में होगा, ये 100% होगा और ऑलवेज होगा। 8 के बाद 10, दो अनइक्वल नंबर का एपी और जीएम निकालना है, क्यों नहीं निकाल पाते हो? एम ऑफ ए एंड बी कहेगा तो क्या लिखोगे, सिंगल। अब जी एम ऑफ ए एंड बी करेगा तो क्या लिखोगे, रूट ओवर ए बी। भैया कोई भी दो अनइक्वल नंबर निकाल ले लो, 4 और 9, इसका ए पी करोगे तो कितना आएगा, 6.5, और जी पी करोगे तो कितना आता है, 6। देख लो बड़ा होता है, ए एम बड़ा होता है जी एम से, याद रखिए। कोई भी दो नंबर लेके आप सवाल का जवाब कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आ गया समझ में मानव? आठ वाला बताया तो थोड़ा अभी होशियार जी। अभी क्लास जो है यहीं रहने दो, थोड़ा सा काम आ गया है हमको, अचानक कोई आया हुआ है, राइट, किसी को कुछ थोड़ा सा काम है, तो अभी क्लास जो है ना अभी मैं बंद करना पड़ेगा। समझ में बात आ रही है? मैं कल जो है क्लास में ही सबको ख़त्म कर दूंगा, अभी थोड़ा सा काम आ गया है, बहुत अर्जेंट है, ठीक है, सबको बता रहा हूँ, अभी थोड़ा सा काम को अभी जो है क्लास ऑफ करनी पड़ेगी, थोड़ा सा अर्जेंट वर्क है, अर्जेंट वर्क, इसलिए क्लास जो है कर लेंगे, आज यहीं तक रहने दो, थोड़ा सा जल्दी से काम है, ठीक है, ओके बाय।